नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इमरान खान के लिए कश्मीर बवासीर बन गया है, जो उठते बैठते लेटते उन्हें हर पल निचोड़ रहा है। इसके चक्कर में लोगों ने अखबार पढ़ना, टीवी देखना और पिंकी पिरनी से गुफ्तगू करना तक छोड़ दिया है। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के लिए वायरस बने मोदी पर इसके किसी इंजेक्शन का असर नहीं हो रहा है, इसलिए मामला हद से ज्यादा गंभीर है और इमरान इसके लिए भांति भांति के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कल ही ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने इमरान की ईमानदारी का कच्चा चिट्ठा जारी किया है, जिसके बाद इमरान बैकफुट पर है। परसेप्शन इंडेक्स 2019 में पाकिस्तान करप्शन के मामले में 3 अंक की बढ़ोतरी के साथ 120वीं रैंकिंग पर पहुंच गया है। ऐसे में इमरान ने अपनी सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर पर नया बखेड़ा शुरू करने का ऐलान किया है। इमरान खान आज 25 जनवरी से कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर 5 फरवरी तक गधैया नृत्य शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में उन तमाम तहबंदबाजों और टोपीधारियों को शामिल किया गया है जिनका काम माथा जमीन पर टिकाकर पिछवाड़े से आसमान को ताकना है, यानी यह ऐसी कलाकृति की प्रतिमूर्ति बनकर भारत को ललकारेंगे, वे भी अपने पिछवाड़ी रूपी तोप से। इससे ज्यादा करने की पाकिस्तानी कौम में गुंजाइश बची भी नहीं है। वैसे भारत ने इनके पिछवाड़ों पर ही गुलमोहर के फूल के निशान छोड़े हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर एकजुटता दिवस मनाए जाने के तहत 1 हफ्ते से अधिक दिनों का एक अभियान शुरू किया है। पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इस घबराहट का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि देश और विदेश में पाकिस्तानी 80 लाख कश्मीरियों के समर्थन में 5 फरवरी को बाहर आए और मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद करें, यानी पाकिस्तान में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए इस फंडर का यह नया पैतरा है। वैसे कल हमने कहा भी था कि इमरान खान ने अगर जल्दी से कोई जुमला तैयार नहीं किया तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इमरान की बैंड बजना तय है, लेकिन लड़का होशियार निकला और रातों रात ही नया फंडा तैयार कर डाला। वैसे भी इन टोपीबाजों की बुद्धि ऐसे मामलों में तेज चलती है। इनका 1439 साल का इतिहास ऐसे ही कारनामों से भरा पड़ा है। इनके ब्लड में मौजूद DNA प्राकृतिक नहीं होकर मुगल कृत्रिम है। मजे की बात यह है कि इमरान की इस घोषणा के बाद मदरसों में सिर झटकने के वक्त में बदलाव कर दिया गया है, ताकि उठी तस्रीफ सटीकता पर खरी उतरे। इस अभियान का समापन 5 फरवरी को POK के मुजफ्फराबाद स्थित विधानसभा में प्रधानमंत्री इमरान खान के संबोधन के साथ होगा। आज इसकी मीडिया मुहिम शुरू होने के साथ 27 जनवरी को इस्लामाबाद के नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सांस्कृतिक शो होगा, जहां तैमंदबाज अपने तैमंद कबर तक उठाकर प्रस्तुति देंगे, यानी तैमंद उठाएंगे पिछवाड़ा दिखाएंगे। खास बात यह है कि ऐसी ही नौटंकी का आयोजन अगस्त के बाद भी शुरू हुआ था, जिसमें इमरान खान ने हर शुक्रवार की नमाज के बाद आधा घंटे तक सड़कों पर गधैया नृत्य करने का आह्वान किया था। ऐसी हरकतें इस मदरसा छाप मुल्क में आम बात है। फिलिस्तीन पर इजराइल की कार्रवाई के विरोध में यह ड्रामा बरसों तक चला है, यानी उस कौम से निकले बेअकले लोग हैं जहां सजदे के बाद प्रसाद वितरण होने की बजाय हाथ में पत्थर आते हैं, या फिर धार्मिक स्थलों में मौजूद मांस की दुकानों से उठाई गई काली पोलोथीन। शायद जानवरों को गोबर सहित खाने वाली इस कौम की अकल में भी गोबर घुस चुका है। पर सवाल यही है कि इमरान खान की नई नौटंकी से कौन से ईंट या रोड़े मिल सकते हैं। यह बात इमरान लोंडा भी जानता है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का समर्थन नहीं मिला है। अब आगे से इसकी संभावना भी नहीं है, क्योंकि कश्मीर मुद्दा पुराना होने के साथ अब वहां हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। कश्मीर के सभी क्षेत्रों से बंदी से हटा ली गई है और इंटरनेट की सर्विस बहाल हो चुकी है। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कोई पत्थरबाजी की घटना भी नहीं हो रही है। रोज रोज के बवाल से कश्मीर पूरी तरह आजाद हो चुका है। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। सीमा पर चौकसी के कारण पाकिस्तानी कुकुरमुत्ते भारत में नहीं घुस पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी भ्रम है कि उसके पिछवाड़ा दिखाओ अभियान से कुछ बात बन सकती है। वैसे जानकार भी इस बात से सहमत है कि इमरान का यह कश्मीर एकजुटता दिवस अपनी नाकामी को ढांपने का हथकंडा है। उन्हें डर है कि पाकिस्तान में जिस तरह जनता में उबाल बढ़ रहा है, कहीं उनके खिलाफ कोई बड़ा बखेड़ा ना हो जाए,
इसलिए इस बार 5 फरवरी उनके लिए संजीवनी बूटी बनकर आई है। खास बात यह है कि कल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई और कल शाम ही इमरान ने 25 जनवरी से अभियान का ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तान के विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि यह पहली बार है जब पाक सरकार डेढ़ हफ्ते पहले ही ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है। बिलावल भुट्टो ने साफ कहा है कि अब लड़के पर विश्वास नहीं रहा है। इसके उल्टे सीधे फैसलों ने पाकिस्तान को फंटर देशों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर दिया है। इमरान की इस मुहिम को पीपुल्स पार्टी उनका साथ नहीं देगी। पर मामला यहां तक नहीं है। इमरान जानते हैं कि जिस छींके के इंतजार में वे गर्दन तान रहे हैं वाना खुदा है ना विसाले सनम, पर उसके पार ट्रकों की बत्तियां जरूर नजर आ रही है जो इमरान खान को पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चित बना सकती है, जिसका फायदा वह पाकिस्तान में मजबूत प्रधानमंत्री के दावे के रूप में कर सकते हैं। यह एक सोची समझी रणनीति है ताकि वह साबित कर सके कि बेशक पाकिस्तानी जनता लंगोटी खरीदने के लिए चिराग का तेल लेकर बाजार में जाती हो, मगर इमरान नाम का लौंडा पाकिस्तान में एक ही है। शायद धरना प्रदर्शन से पैदा हुए इस तैमंदबाज नमूने को इससे ज्यादा लोकतंत्र आता भी नहीं है। इसके बाद इसने दो ही शब्द सीखे हैं, घबराना नहीं इंशाल्लाह। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।